कंतु। अरे राम राम कुंद भैया, आए गए का? घर से कोई नहीं आया? अरे भैया, इतनी सर्दी में तड़के तड़के कौन आता? वो तो कल माँ जी कह रही थी कि तुम आए रहे हो, सो हम आए गए। चलो बैठो तांगा में, बैठो। और सुनो, जल्दी चलो, गांव देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे भैया, ये बंसुआ का तांगा है, शहर से यहाँ तक आने में तुम्हें देर लगी होगी, मगर बंसीपुर 2 मिनट में पहुंचे। अच्छा चलो चल। शानू की शादी की तैयारियां तो ठीक है? यहाँ तो सब ठीक है चंदन भैया, मगर हम तो सोचे थे कि शहर में जाके तुम तो हमका भूल गए होंगे। मगर अब हमका ये बताएं कि शहर से हिस्सा के लिए यहाँ आए गए हो कि पढ़ाई के लिए फिर वापस जाना है? नहीं बंसुआ, पढ़ाई तो अभी खत्म हो गई है, अब देखते आगे क्या करते हैं। आ जाएंगे, इतनी चिंताएं करती हैं भाव जी। अपने कुंदन तो बहुत समझदार हैं, आप तो बिन बात ही। ये सब कैसे होगा भाव जी? जब आपके देवर के होते हुए गांव की कोई भी बेटी खाली हाथ विदा ना हुई हो तो क्या छानो? छानो तो हमारी अपनी बेटी है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। आ गए कुंदन। आ गए जी, बताए जी सर। गाली सोहरी। अरे बेटा, अभी तक मुंह हाथ भी नहीं धोया? कहाँ वहां, सारा घर तो औरतों से भरा पड़ा है। और तो और, बड़ी मुंहफट हो गई है पारो। अच्छा माँ, बाबू खाना खा लिया कि नहीं? नहीं तो यहीं से कुछ ले जाते हैं। नहीं बेटा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा। उन्होंने अब जाना अंदर। अरे क्या उल्टे सीधे गाने गा रही है? तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है? हम तुम्हें नमूने लगते हैं? और क्या, किसी फिल्म के हीरो लगते हो? हीरो लगते हो? अरे हम दोनों का अंदर इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ झगड़ा कर रहे हो। वहाँ बाबूजी भूखे बैठे होंगे, जाओ ले जाओ। बाबू हम आ गए। आ गए तो लौकी छीलो। ये तो हुआ नहीं कि 3-4 दिन पहले आते। बाबू ने जब सारा काम निपटा लिया तो चले आए लाट साहब की तरह। कोई चिंता की, लेकिन भौजी से पूछ के सभी सगे संबंधियों को न्योता भिजवा देना, कोई रह ना जाए। अगर गलती से कोई रह गया तो जिंदगी भर सुननी पड़ेगी उसकी। अरे घोड़े बाजे का भी इंतजाम कर लिया कि नहीं? अरे हम समझा रहे हैं, तुम दादी से बीच में क्यों बोल रही हो? अरे तो हमने कुछ गलत कर दिया। पानी लाओ, जाओ। बाबू भी किस बुद्धू से बात कर रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं जैसे सारा काम आज ही खत्म कर देगा। शादी ऐसी हो कि हमारे दोस्त धर्म सिंह का नाम
और भी ऊंचा हो जाए। और हाँ, समय बहुत कम है, बारात सर पे आई समझो। हाँ ठाकुर वीर सिंह दूर कर देंगे उसे। मैं पूछता हूँ कैसे ठीक हो जाएगा, सारे गांव की कुंडली हमारी तिजोरी में बंद धरी है। तिजोरी में तो बंद धरी है, लेकिन अभी तुम्हें तो कोई पूछने आया नहीं। अरे चुप, इतना बड़ा हो गया इस गांव में, इतनी अकल कोई ना कि इस गांव के लोग नाक पे दिया जला के लाला को ढूंढा करें। नाक पे दिया जला के, लेकिन वो ना ढूंढेंगे तुम्हें लाला जी। अरे पर क्यों ढूंढेंगे तुम्हें, शायद मालूम ना है आजकल भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है उनपे। नवे नवे की छठी औलाद, भगवान ने इस गांव में जिसके ऊपर मेहरबान होना था वो हम पे होना था सो हो लिया। और फिर कुंदन और ठाकुर साहब का कोई खून का रिश्ता तो है कोई ना, कि बारात आएगी चली जाएगी और उनकी नाक कट जाएगी क्यों। अरे अरे कुंदन बेटा तुम आओ, आओ आओ कुंदन बेटा आओ। राम 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 राम। बोलो लाला जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ जरूर करो जरूर। तुम अब दिल की बात भी लाला से नहीं करोगे तो क्या दुखी लाला से करोगे। हाँ बोलो क्या बात है बेटा। जरा चले। हाँ हाँ चल हट पीछे, देखता नहीं कुंदन भैया आए हैं। बोलो कितने पैसे चाहिए। सिर्फ 25,000। 25,000 बस। आओ बेटा आओ, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत, जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ, जाओ और आओ। राम 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 राम। अरे भैया मैं ना कहता था पैसा बहुत बुरी चीज है बेटा, पैसा बहुत बुरी चीज है। अब ठाकुर साहब अपनी दोस्ती को कब तक निभाए, घूम फिर कर निभानी तो हमको पड़ती है, और क्यों ना निभाए, गांव बिरादरी का रिश्ता है, लाला के होते हुए किसी को मुंह की खानी। हेलो बाबू लड्डू खाओ। लड्डू खाओ लड्डू। अरे अरे तुझे कितनी बार बेफजूल का खर्चा मत किया कर, फिर फालतू का खर्चा करके चली आई। खर्चा कहाँ किए है, ब्याह के लाई हूँ ब्याह के, ऐसे ही बारात बैठी खाने पे चुपके से जाके ले आई तुम्हारे लिए भी और। अरे तो बेटी फेरों का तमाशा भी देख के आती है। तुम भी पागल हो बापू, फेरे तो कब के पड़ गए। लेकिन कुंदन तो अभी अभी यहाँ आया था वो। तो क्या हुआ, ठाकुर जहाँ थे, लो लड्डू खाओ। ठाकुर सिंह कुंदन क्या सोच रहे हो बेटा, शानू को तो अपने घर जाना ही था, अब तू मेरी बुलेया। क्या बात कर रही हो माँ, शानू का कर्जा भी उतरा नहीं अब तुम। अरे पगले, जब शानू का बोझ उतर गया तो कर्जा भी उतर ही जाएगा। और तुम्हारे बाबूजी बहुत से जमीन छोड़ गए थे जो वीर जी ने तुम्हारे नाम भी करवा दी है। यहाँ रख दो और सामने वाला कमरा साफ करो। हाँ अरे अंदर आओ अंदर आओ, ये क्या लाए हो। अरे एक बोझ उतारने आया हूं, सारी रात सो नहीं पाया। ये लीजिए आपका बोझ उतर गया। मजाक ना करो पारो, बाबू ने न जाने कहां से पैसे दिए होंगे। पैसा हमारा था, बाबू का नहीं। हमें मालूम है कि तुम ये पैसे कहां से लाए हो, गैरों का कर्जदार बनकर अपनों की चौखट बदनाना समझदारी नहीं। लिख पा रहा हूं, जमीन किसान का जमीर होती है कुंदन, जाओ ये पैसे देकर अपनी जमीन छुड़ा के आओ। और हाँ सुनो, हमारे सामने अपने आप को इतना छोटा मत किया करो। साढ़े 27,000। हाँ बेटे पूरे 27,500 रुपए। मुनीम जी दिखा दो खोल के। जी लेकिन लाला जी हम तो आपसे 25,000 रुपए लेके गए थे, और वो भी 100, और आप कह रहे कि। अरे बेटे सारी पढ़ाई लिखाई बेकार करने, हमारा जो धंधा है ना वो डॉक्टर जैसा धंधा है, डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया मुंह में और पारा चढ़ना शुरू हो जावे। ठीक
ठीक है लाला जी, ये 2500 रुपए हम बाद में दे देंगे। बाद में दे देना। मुनीम 250 ब्याज के लिख लिए? पहले लिख लिए जी। बहुत अच्छा। क्या? अरे बेटे धंधा तो धंधा है। अरे बेटे अभी तो तुम आराम करो, बहुत परेशान लग रहे हो। बैठो बैठो बैठो, पते की बात बताते हैं। देखो औरत पे उम्र और मूल पे ब्याज कभी रुका है? और तो बेटे तब तक अच्छी लगे जब तक वो जवान है, वैसे ही मूल भी, समझे? जम समझ गया। बहुत अच्छे, राम राम। वाह बेटा, अरे घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? 250 लिखे जी? लिखे। बहुत अच्छे। बाबू बाबू कुंदन, बाबू कहाँ है? क्यों, कुछ काम है? हाँ, ट्रैक्टर की चाबी चाहिए। हमने सोचा कि जमीन का कुछ काम शुरू कर लें। तो शुरू कर दो ना। लेकिन चाबी? हाँ, अच्छा हम फिर आते हैं। रुको। यहाँ तो नहीं है, ऊपर चल के देखें, शायद वहां हो। क्या मजाक है? ये चाबी तो हमें नीचे भी दे सकती थी। दे सकती थी, नहीं दी। अब ले लो। बारो जब कर रही हो क्या ठीक है? क्या क्या हमने? मेरा मतलब है ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है तो इसमें गलत क्या है? बुरा मान गए? चला आ रहा है, ये सारी जमीन तो हमारी है। तुम्हारी जमीन ये मेड़ के उधर की है, है? क्यों मुनीम? बिल्कुल ठीक कहा लाला। हाँ। और भैया जब हमें अपनी जमीन के ऊपर ये मशीन फिरवाने की होगी ना, तो हम तुम्हें खबर भिजवा देंगे। हाँ, हाँ, अभी ये अपना पहिया पीछे पे ले ले, ले ले, ले, ले। भैया पीछे ले ले। अरे तू पीछे ले ले। तुमने क्या किया? इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब अच्छी तरह से समझते हम। पर लेकिन भगवान के लिए कुंदन, हमें इस तरह मत ठुकराओ। सुनो, हमने अपने मन के मंदिर में हमेशा तुम्हारी पूजा की। इन फूलों को सूखने मत दो।
बातचीत की जाती। सच कुंदन, कुंदन देखो हम जा रहे हैं, शाम को 5 बजे नदी किनारे मिलना। हाँ देखो अगर नहीं आए तो हम रात भर वहीं बैठे रहेंगे, कह देते हैं। पारो तेरी आंखों में आंसू, जरूर इसने कुछ कहा होगा, बोल क्या कहा? कुछ भी नहीं, माँ ने तुम्हें वो कहते हुए देख लिया होता या सुन लिया होता तो। माँ को कुछ नहीं पता। पारो जिस रास्ते पर कदम बढ़ाया उसका अंजाम जानती हो तुम? सुना है मोहब्बत में दिल टूटता है, सुना है मोहब्बत में दिल टूटता है। मोहब्बत से पीछा कहाँ छूटता है, सुना है मोहब्बत में दिल टूटता है। किया प्यार हमने तो डर क्यों है मन में, सपनों का दर्पण तो यहाँ टूटता है, सपनों का दर्पण तो यहाँ टूटता है। सपनों से पीछा कहाँ छूटता है, सुना है दिल टूटता है। बड़ी तेज होती है समय की ये धारा, किसे वक्त जाने कहाँ लूटता है, किसे वक्त जाने कहाँ लूटता है। अब हम शहर जा रहे हैं, कुछ मंगवाना है? अरे बेटा हमें क्या मंगवाना है, वहां से बढ़िया से किताब ले आना। और हाँ पारो से जरा, अरे बेटा पारो, पारो बेटा कुंदन शहर जा रहे हैं, कुछ मंगवाना हो तो कह दो इनसे, पूछ लो। नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बाबू हम चलते हैं। ऐसा कब तक चलेगा कुंदन? हाँ बारो हम भी यही सोचते हैं, तुम मां से बात ना, वो तुम्हें बहुत चाहती है। तुम बाबू से बात क्यों नहीं कर लेते? माँ तुम्हें बाबू से ना प्यार करती है, तुम एक बार कहके तो देखो। अब तो निगोड़ी नजर भी कमजोर हो गई, एक अच्छी सी बहू क्यों नहीं ले आती? खैर छोड़, तू कुछ कह रही थी? मैं
कुछ नहीं, लंबे धागे डाल। जीती रह बेटी, भगवान करे तुझे अच्छा वर मिले। लो कुंदन आ गया। माँ खाना लगाओ ना, भूख लगी है। अच्छा नहीं कर पा, तुम करो। नहीं हम नहीं कर सकते। तुम बात करो ना। तुम रुको। मैं नहीं करता ना। नहीं लो खाना हो गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम बात करो ना। हमसे नहीं होता ये सब, हम जा रहे हैं। पारो जाओ उधर, धागा डालो। हम मां से बात नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। ठीक है, हम बाबू से बात कर लेंगे। आप खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कुछ और काम करो घर में, जाओ। हम इसे खुद छत पर रखाएंगे बाबू। अरे कुंदन बेटा, बहुत बढ़िया पौधा है, छत पे रखाओ, धूप लगेगी तो खिल उठेगा। और इसे रखने के बाद जरा पटवारी से मिल लेना, कुछ काम के लिए कहा था, पूछना हुआ कि नहीं। क्यों कुंदन, बाबू से बात हो गई? छत पर रख देना। छत पर अच्छे खासे थे, क्या हो गया हमें, रात रात भर जागते हैं। अच्छा आप चुप भी रहो, मुझे कुछ सोचने दो। तुम सोचते रहो, हम चले घर। हम जानते हैं ना तो तुम बात कर सकोगे और ना ही हम। अरे तुम किसी दोस्त से बात करके क्यों नहीं देखते? कोई दोस्त तो होगा तुम्हारा। अरे हाँ एक है जो ये बात कर सकता है। कौन है? तुम जानती हो उसे। पहलिया मत बुझाओ, बताओ ना कौन है। बस एक गांव में आने ही वाला है। आखिर है कौन? बिल्ला। बिल्ला? दिखा दी ना अपनी शक्ल सवेरे सवेरे, अब सारा दिन खराब। इतनी बुरी शक्ल है का हमारे? और हमें कौन मालूम था कि चंडिका जी दर्शन देने आ रही हैं सुबह ही सुबह। देखो बिल्ला, हमें चंडिका कहा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ अरे तुम छुकरियन की बात ही निराली है, हमारी शक्ल दिखाई दे गई, हमारा दिन खराब हो गया। और हम चंडिका कह दिए तो ज्वालामुखी पलट पड़ा। क्या पहले चंडिका का और अब ज्वालामुखी बना दिया हमें? हटो हमारे सामने से। ओहो ये बिल्ला भैया जब देखो पारो के पीछे पड़े रहते हैं। अजीब लड़की है। लाजो हाँ? हमारी पाजे गुरु पारो आ रही है। हाँ? हम तो भागकर यहाँ से आ गए, वो वहाँ से आ रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? कचड़े। तू एक काम कर, वो कोना देख रहा है वहाँ जाकर बैठ जा, और जैसे कोई आए ना और वो सुसरा उस लड़कों का तरह ख्याल रखना खास। चिट्ठी बजा देना। चा बजाए तो हम देंगे। हाँ मगर इस बार जरा ध्यान से सुने, तुम नहीं सुने, हम लोगों के जूते खाते खाते बच गए। ऐसा करते हैं अब की बार हम यहाँ बैठ के बजाए देते हैं। ऐसा करते हैं हम इस बार यहीं बैठ कर साले वहां जाकर बजा। चल फूटता के नहीं, चल वहां बजाए देंगे, यहीं से बजा देते। अरे वाह क्या वाह कर रहे हो पारो, का मोरनी जैसी चाल है तुम्हारी, और तुम्हारे पाँव में चांदी की ये पाजेब। अरे छन 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 बिल्ला, हम कह देते बार बार इस तरह हमारे मुंह मत लगा करो, नहीं तो गे। हम लाजो से कह देंगे कि हमेशा हमें अकेले में देखकर तुम हमसे गलत सलत बात करते हो। देखो पारो वो तो हम अब भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, परसों भी कहेंगे, बरसों तक कहते रहेंगे, समझी? अच्छा हाँ। कह के तो देखो। कह दे। हाँ पारो तुम हमें बहुत अच्छी लगती हूँ, ये ले बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे अरे ठहर तो, पारो ओ पारो, अरे देखो तो तुम्हारी पाजेब टूट कर गिर गई है, लेती जाओ। तुम ही बांध लो अपने पांव में और नाचते घूमो सारे गांव में, बहुत अच्छे लगोगे। बाबू
पाए लगे? जीते रहो बेटा, कैसे आए? बाबू वो पारो की पाजेब हमें मिली है। बहुत लापरवाह हो गई हैं। पारो, बेटा पारो। जी? क्या बात है बाबू? आओ आओ, आगे आओ, हमारे सामने आओ तो बताएंगे। आपको किसी बात का होश रहता है? कोई भी चीज कहीं भी फेंकाती हो। अब देखो ना, बेचारा बिल्ला आपकी खोई हुई पाजेब लेकर आया है। अच्छा लगता है? हमारी पाजेब? जी हाँ, आपकी पाजेब। हमारी पाजेब ये रही। लगता है हमसे भूल हो गई। आप गधे के गधे ही रहेंगे। अब ये जिसकी पाजेब है उसे लौटा दीजिए। हाँ बाबू, अब तो ये जिसकी पाजेब है ये। अच्छा, हम चलते हैं। बेटा पारो, हमने तुम्हें खामखा डांट दिया। हमारी पाजेब तो हमारे पाओ में है। वारे तेरी अदा गधा। अब की बार तो बच गए बच्चू, फिर हमें कभी छेड़ा तो क्या करे? बाबू से कह के हड्डी पसली नरम करा देंगे तुम्हारी। और फिर गांव का बिल्ला है ना, सारे गांव में भीगी बिल्ली जैसा नजर आएगा। और हाँ, कल से हमें मिलना भी मत। अरे किसका दिमाग फिरा है जो तुमसे मिलेगा? कौन रोज रोज चंडिका के दर्शन करे? क्या क्या कहा हमें? सुना नहीं? अरे हमें कौन जरूरत है तुमसे मिलने की? उधर किसी दिन आओगे हमारे पास। क्या हम आएंगे वो भी तुमसे मिलने? अरे जा, गांव में पास है हमारे काम को। अच्छा, देख लेंगे हम भी। कहा देख लोगे? कहा देख लोगे? हम तो रहा एक बार बोल दिए ना कि यहाँ से जाने का नहीं। अबे बंसुआ, अबे ये सब क्या किया है? वो गुरु तुम ही तो कह रहे थे कि। अरे भैया तुम जाओ, हम इसे अभी ठीक किए देते हैं। सिर फोड़ देंगे। क्यों भाई, ताले सारे गांव में हल्ला मचवा दिया कि हम आजकल पारो के पीछे। लाजो, तू बिल्ला की बहन है या चमची? जब बात घुमा फिरा के अपने बिल्ला भैया पर ले आती है। तेरा भाई तेरे लिए लाखों में एक होगा, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाता। देखो पारो, हमसे झूठ मत बोलो। क्या मतलब? मतलब ये कि हम भी एक लड़की हैं और लड़कियों के दिल की बात हम अच्छी तरह समझते हैं। उनके मन में कुछ और होता है और मुंह पे कुछ और ये होती है ना, वो उन्हें एक आंख नहीं भाते। दिल में तो लड्डू फूटते हैं मगर। चल बेशरम। बेशर? अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुझे भी चीज में बेशर्मी नहीं नजर आती? जैसे जैसे किसी से रोज छुप के मिलने में। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जानती हूँ तू किससे मिलती है। प्यार करना कोई पाप है क्या पारो? पाप नहीं है तो सबसे छुपाती क्यों है? हम कहाँ छुपाते हैं, कल ही आ जाओ बाग में। अच्छा लो, हम आ गए हैं लाजो। तुम? हम पारो हैं, लाजो की सहेली। ओ, तो तुम हो पारो। बहुत तारीफ सुन रखी है तुम्हारी हमने। चलो बात भी हो गई। लाजो ने हमें तुमसे मिलवाने के लिए बुलवाया था। अच्छा, तो फिर इतनी दूर क्यों खड़ी हो तुम? जरा हमारे पास तो आओ ना। हाथ मत लगाना हमें। लाजो तो बहुत तारीफ करती थी तुम्हारी। थोड़ी देर बाद तारीफ तो तुम भी करने लगोगी, बस एक बार। आगे मत बढ़ना। लो हमने तुम्हारी बात मान ली, मगर अब तो आ जाओ हमारी बाहों में। तुम नीच के चंगुल में लाजो आ सकती है, पारो नहीं। जो हूँ या पारो, किशन के लिए सब एक समान। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कमीने! बिल्ला तू इतनी हिम्मत? खून की कसम तुझे याद रखूंगा। चला जा यहां, नहीं तो जितना धरती के ऊपर खड़ा है उतना भीतर गाड़ दूंगा। चला जा यहां से। पारो, आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो लाजो की वजह से हुआ है। राजू की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। आज तुमने हमें बचा लिया, हमारे साथ
नदी में कूद कर अपनी जान दे देते। रो मत, रोना तो उस बदनसीब को चाहिए जिसे ये कैसे आदमी को प्यार करती है। कमी पूछते हो? सुनो लाजो, वो आदमी इंसान नहीं भेड़िया है, और अगर मैं ठीक समय पर नहीं पहुंच गया होता तो वो पारो को बर्बाद कर चुका होता। तो ये सारी आग पारो की लगाई हुई है। अरे हमने तो उसे मिलने के लिए बुलाया था वहां पर, हमें क्या पता था, तो कुछ नहीं। और मैंने तुम्हारी पारो को कहा तो आग लग गई। लाजो चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो तेरी दो गज की जबान काटकर तेरी हथेली पर रख दूंगा। और एक बात और कान खोलकर सुन ले, आज की बात तो उसकी सन से नहीं मिलेगी, सुन लिया ना? लाजो, मां कह रही थी तूने खाना नहीं खाया। ए पगली, देख मैं तेरा भाई हूं, कोई दुश्मन थोड़े हूं। अरे तेरा भला बुरा मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? ले खाना खा ले, हमें भूख नहीं है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, चल खाना खा ले। हमने कहा ना नहीं खाएंगे। ठीक है, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं, हमें भूख नहीं है। देख मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुझे खाना खाना पड़ेगा। मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा, समझे? सच में हमें भूख नहीं है। खा ले मेरी रानी, खा ले। क्या हुआ लाजो, क्या हुआ? बच्चे की माँ? किसके बच्चे की माँ? अबे यहां आने से पहले अपनी लाजो बहनिया से तो पूछ लिया होता कि उसकी कोख में बाप है किसका। किशन! इतना मारो साले को के साला किशन का नाम ही भूल जाए। तू तो अकेला ही आया था मुझे मंडप तक ले जाने। रात एक नई सेज सजाने वाले किशन को एक ही रंडी के पल्लू से बांधने आया था। बना ले
अर्जुन, अर्जुन कब तक भड़कत रहोगे? कुछ समझ में नहीं आता बंसुआ, क्या करो क्या ना करो। अब तो लगता है बस मौत ही पीछा छुड़ा सकती है इन सब। ऐसा मत कहो, अगर तोरा के कुछ हो गया तो बूढ़ी माँ का कौन सहारा रह जाए। अरे तू बिल्कुल पागल है, देख तू है राजू है, फिर माँ कैसे बेसहारा हो सकती है? ये अनाथ कोनू का काय सहारा बन सकती? सही बतिया लाजो की उतारिये में ना खुदकुशी कर ले उन्हें। खुदकुशी? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, सच नहीं है। अंसुआ, अंसुआ ये सच नहीं हो सकता। सच है गुरु, उनकी चिता को आग लगा के आए हैं। नहीं नहीं। हाँ गुरु, सुने हमें गए थे उनका डोली को शमशान तक छोड़ने, अगर तोरा के विश्वास है तो चलो, उनकी चिता के फूल तो अभी भी हमारे मुंह चुराए होंगे। लाजो तेरी बहन, देख देख तेरा भाई आया है तुझसे मिल, या भागा, या भागा तेरे लिए सुहाग लेने गया था, लेकिन लेकिन मौत लेकर लौटा है। मुझे मुझे माफ कर दे, अपने भैया को माफ कर दे, अपने भैया को माफ कर दे लाजो, अपने भैया को माफ कर दो। कहाँ जा रहा है बिल्ला? रुक जा, इस बंसीपुर में अब तेरा बचा है क्या? और फिर क्या ये गांव वाले तुझे एक खूनी को स्वीकार कर पाएंगे? चल कहीं और चल। बिल्ला भैया, बिल्ला भैया, कहाँ जा रहे हो? हम तो तुम्हारी राह देख कि तुम जरूर आओगे। तुम यहाँ थे नहीं ना, तो ये गांव वाले बंसुआ का तांगा को फ्री का सवारी समझ बैठे, अब हम सबको देख लेंगे। बंसुआ बिल्ला भैया, बैठो। तुम्हारे जाने के बाद तेरा गांव ही बदल गया। वो अपना कड़वा है ना, वो मर गया, और वो अपना कुमारो, उसकी माँ, तुम्हारे जाने के बाद माँ बहुत बीमार है, हम बहुत इलाज कराए पर कितने मनुष्य हैं, अपनी माँ की चिता को आग भी नहीं दे सके। अरे हाँ, पारो मिली थी परसों तरसों, पूछ रही थी तुम्हारी बैलों की जोड़ी का दूसरा बैल कब आ रहा है। दूसरा बैल? हाँ हाँ, हम और तुम, हम दोनों बैलों की जोड़ी है उनकी निगाह में। तुम क्या कहे? हम क्या कहे? वो भी हंस पड़ी। इतने में कुंदन भैया आ गए, वो आपस में बातों में लग गए, हम दुबक लिए। कुंदन कैसा है? हा? अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई होगी, जेल में दो बार मिलने भी आया आपसे। तो एक काम कर, देख अगर कुंदन जग गया तो जरा उन्हें बुला ला। अच्छा अच्छा बिल्ला, कैसे हो कुंदन? हम तो समझे हमें भूल गए होंगे, यही ना?
अरे हम तुम्हें कैसे भूल सकते भैया, ये क्या हालत बना रखी है? अरे कुछ नहीं रे, समय बहुत बलवान होता है ना, कभी कभी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देता है। इन बातों को, जैसे बंसुआ आया हम भागे चले आए। लो भैया हम तो खाना भी ले आए, हम तो बहुत मना किए पर माँ जी नहीं मानी, वो तो आने के लिए भी बोल रही थी। अच्छा हम पानी लाते हैं, खाना खा लो और आराम करो, और आज के बाद आप घर पे ही खाना खाएंगे, समझे? चलो मैं। अच्छा आ तो हम, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। रुक जाओ पारो, इतनी जल्दी मत जाओ, हम तुमसे कुछ बात करना जानती हो। हम क्यों इस गांव में आए? आज से 5 साल पहले इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था पारो। तुमने बचपन की बातों को लेकर कोई भी काम हमसे करने को कहोगे हम उसे जरूर पूरा करेंगे। तुम हमसे अगर हमारी जान भी मांगोगे ना तो हम वो भी खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में हम बहुत मनहूस हैं। जल्दी आओ, बाबूजी अकेले बैठे हैं, जाके आज बात कर लो, जाओ ना बात कर लो। सुनो, जाओ, बस हमने कह दिया ना। बाबू बैठ जाओ। कुछ काम था और वैसे माधोपुर वालों से उसके रिश्ता उन्हें मंजूर है, अब हम भी सोचते हैं कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर पारो के हाथ पीले कर दें। तो बाबू पारो तो, हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं आप और पारो दोनों ये चाहते हो कि हमें कोई तकलीफ ना हो, हम खुश रहें। सोचते हो कि जब पारो अपने ससुराल चली जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे। अरे बेटा, तुम्हें जो पाल पोस कर इतना बड़ा किया है किस दिन के लिए? इसीलिए तो कि जब पारो अपने ससुराल चली जाएगी तो हम तुम्हारी बहू ले आएंगे, तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे और हम दादाजी बन जाएंगे और जीवन के बाकी दिन अपने पोतों के साथ खेल कूद के गुजार देंगे, और क्या है? पारो कैसे समझाएंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं समझना है, हम कह देते हैं हम ब्याह करेंगे तो तुमसे, नहीं तो हम। देखो पारो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं जानते, तुम बाबू से बात नहीं कर सकते तो हम बात। देखो पागल मत बनो, आज बाबू की बात सुनकर हमें महसूस हुआ पारो वो हमें अपना बेटा समझते हैं, इस लिहाज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खून का तो नहीं ना? खून के रिश्ते से बढ़कर भी एक रिश्ता होता है पारो, आंख के पानी का रिश्ता।
पारो, मान लो कि हम दोनों एक दूसरे को मिल भी पाए तो ये समाज हमें स्वीकार कर पाएगा नहीं। और बाबू जिंदगी नर्क बन जाएगी पारो। नर्क? तुम क्या समझते हो तुम्हारे बिना हमारी ये जिंदगी नर्क से कुछ कम होगी क्या? हम ये सब नहीं जानते, हमसे ये सब कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए हमें इतनी बड़ी सजा मत दो कुंदन। बाबू की बात सुनकर लगा जैसे प्यार नहीं पाप करते आए हैं। सुनो कुंदन, मन तो हम अपना तुम्हें दे चुके, इस काया का क्या है, जो जी मैं करा लो। इस काया को ही तो पश्चाताप कर, हम दोनों को इस पश्चाताप की आग में चलना ही पड़ेगा। अरे तुम यहां हो? जी नहीं, आप कुछ कह रहे थे बाबू? हाँ बेटा, बात ये है कि हम आज माधोपुर गए थे तुम्हारी शादी की बात तय करने। उन्होंने रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी। भाई हाँ तो हमने भी कर दी, लेकिन बेटा इस मामले में तुम्हारी रजामंदी मिल जाती तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता। पारो बेटा, तुम्हें रिश्ता मंजूर है ना? है? पारो बेटा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं बाबूजी, आपने जो कुछ किया हमें मंजूर है। Thank you.
कुछ देर हो गई। अरे अरे अरे, तुम क्यों खड़ी होती हो? खड़ा तो हमें होना चाहिए। इस वक्त तो हम तुम्हारे गुनहगार हैं। दरअसल कुछ यार दोस्तों ने जबरदस्ती पीने बिठा लिया। कहने लगे
तुम्हारी शादी की खुशी में पीना तो जरूरी है, है? अरे हाँ, पीने की बात पे हमें एक बात याद आई। अगर हम तुमसे पूछें तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, पूछिए। कल तुम्हारी डोली के ऊपर एक आदमी पैसे नौछावर कर रहा था, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? हाँ, वो एक शराबी है, एक पागल जो शराब पी के गांव की गलियों में घूमता रहता है। खैर छोड़ो इन बातों को, हम भी ऐसे शुभ मौके पर कैसी बातें ले बैठे हा? जरा ठीक से रख। कितनी बार कहा पिछले दरवाजे से आया कर। जा जाकर चाय बना। मेरी जान, हमसे नाराज हो? छोड़ो। ये चमिया थी। मां जागे क्या? अरे तुम माँ के सामने ऐसे चली गई? कम से कम अपने माथे का टीका तो ठीक कर लिया होता। मुंह दिखाई के लिए औरतें आने वाली हैं, तैयार हो जा। बहुत बड़ी सुंदर लाई हो भागवंती, सुना है दान दहेज भी अच्छा दिया है। क्या खाक अच्छा दिया है, मुझे तो मेरे मायके वालों में सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। हमारे खानदान की बहुओं ने तो दहेज से घर भर दिए और फिर वैसा ही हमने अपनी बेटियों को दिया। अब दुख ना कर भागवंती, जो तकदीर में था मिल गया, इतने में ही सबर कर ले। चल उठ रही पार्वती, क्या पसर के बैठी है, चल चलो। खाक सुंदर है। अपना
बन के राधा अपना वादा तू निभाजा निभाजा रे आजा ओ आजा पारो, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं। लगता है कि तुम माँ की किसी बात का बुरा मान गई हो। नहीं तो हम क्यों बुरा मानेंगे? देखो पारो, माँ इस घर की मालकिन है और जैसा वो चाहती हैं, आज तक वैसा ही होता आया है इस घर में। और सुनो पारो, लड़की को अपने लाड करने वालों और नखरे उठाने वालों को माँ किसी ससुराल तक आते आते भूल जाना चाहिए। मत छोड़ इन रिश्तों को, इन रिश्तों से हमें नफरत सी हो गई है। सब ऐसे छोड़कर चल दिए जैसे किसी से कोई नाता नहीं था हमारा। वो लाजो जिसकी बड़ी से बड़ी भूल पर हम कभी नाराज नहीं हुए, हमारी छोटी सी भूल पर हमसे रूठ कर चली गई। मां ने हमारे आने की राह तक नहीं देखी। हम ताकि इस हवेली का सुनापन तो खत्म हो और फिर हम भी देख लें कि हमारी बेटी शादी के बाद कैसी लग रही है। बाबू वो बहुत अच्छी तरह हैं, आप बेकार ही परेशान हैं, वो बहुत सुखी है। हम दर्शन बाबू, राम राम ठकुराइन। कहिए कैसे आना हुआ महाजन जी? अजी आज 5 साल हो गए मेरा पैसा फंसे हुए। ये तो महाजन की आवाज रखती है। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अजी मिल जाएंगे यही तो रोना है। पहले कहती थी दर्शन बाबू की शादी पर मिल जाएंगे और अब। माँ जी इनसे कह दीजिए ये शरीफों का घर है, यहाँ चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इनके पैसे कल मिल जाएंगे। तुमने महाजन से कह तो दिया पारो, लेकिन इतना पैसा लाओगे कहाँ से? बाबू से। लेकिन बाबू क्या सोचेंगे, तुम्हें अभी ससुराल गए 4 दिन भी नहीं हुए और इस घर की बहू होने के नाते क्या हम जान सकते हैं कि कितना कर्ज है? अब पुरखों के कर्जे का हिसाब किताब तो महाजन के बही खाते ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी होगा कोई 1.5-2 लाख। अरे अरे क्या बकी जा रहा है, अभी तक तो इस बेचारी ने ससुराल के सुख भी नहीं देखे और तू तो इस पर खानदानी बोझ लादे जा रहा है। कहां से लाएगी इतने रुपए? बड़ी मुश्किल से तो ठाकुर वीर सिंह दहेज जुटा पाए थे और फिर क्या उनके घर में टकसाल लगी है जो बेटी के ससुराल के कर्जे पाटेंगे? माँ जी अब ये ससुराल भी तो हमारा घर है। वो तो ठीक है, पर ठाकुर वीर सिंह कहीं परेशान ना हो, हमें उनकी बड़ी चिंता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बोले तो हम आज ही चले जाएं। पारो बेटा, तुम कब आई बेटा? हैं? दर्शन जी भी आए हैं क्या? नहीं।
हम अकेले आए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन तुमने अपनी सूरत देखी है, क्या हाल बना रखा है। हम तो तुम्हें कुंदन के भरोसे छोड़ गए थे ना, लेकिन लगता है उसने तुम्हारा एकदम ख्याल नहीं रखा। अरे बेटा हमें क्या हुआ है। अच्छा हम कुंदन को भेजते हैं, तुम खुद उसी से पूछ लेना। अभी भेजते हैं कुंदन को। पारो, पारो तुमने हमें बुलाया था? नहीं तो। पर बाबू ने कहा कि लगता है पारो तुम अब भी हमसे नाराज हो। नाराज? नाराजगी का भी एक अधिकार होता है, और जब अधिकार ही। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ तुम कैसे हो। पारो हमें माफ कर दो, जीवन में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जहां इंसान चाहता कुछ है होता कुछ है। तुम्हारे जाने के बाद जीवन कितना खाली हो गया, और तुम्हारी याद इस खालीपन को और खाली कर देती है। बस अब तो यही सोच के खुश हो जाते हैं कि तुम खुश हो। खुश? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत। कुछ तो मिल गया हमें। अधिकार होता है। खैर छोड़ो, खुश? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत। सब कुछ तो मिल गया हमें। पारो तुम माफ कर दो। परेशान से लग रहे हो। हम काहे परेशान होने लगे, हम तो ऐसे ही आपको देखने के लिए आ गए थे। वैसे बाबू हम भी आपके पास आने वाले थे। हमारे पास? कहो कुछ काम है क्या? बाबू हमें कुछ रुपए चाहिए। बेटा इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है। देखो बेटा यहाँ जो कुछ भी है ना वो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हम तो सिर्फ देखभाल करने वाले हैं। ये लो चाबी, और तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने आप ले लो। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बंसुआ लगता है पारो सुखी नहीं है। अरे तुम तो ऐसे नहीं परेशान हो रहे गुरु, हमका तो अच्छे वाले दिक्कत है। एक आइडिया की बात कहूं? क्या? धामपुर चलते हैं। क्यों? नौटंकी देखने। तेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो ना गुरु। नहीं रे बंसुआ मन नहीं है। हमरा गाते चल, तेरी खातिर चले।
गाल से गले तक मत आ जाइयो, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। सो तो मैं फिक्र हूँ लाला, बस इतना बताए दो वो पैसे कम दे रहे हो क्यों? पैसे का नाम सुनते ही मोलती बंद हो गई। अरे ये कमीना रिड़कू आज बापू को मार ही डालेगा। अरे अब बापू नहीं बचेंगे, छोड़ दे मेरे बापू को। ले अच्छा ले, 10 रुपए ले ले तू। अरे अब तो छोड़ दे, लाला जी बन गई दानी। हाँ हाँ बन गई। लाला जी ठीक तो? अरे मेरी मैया, बापू तुम जिंदा तो हो? बापू बापू, अरे बापू मरना मत बापू, मैं भी गंगा जल लेकर। अरे गंगा जल की जरूरत ना है, अभी लाला जी ठीक हो जाएंगे। इनको मिर्गी पड़ गई, जूता सुखाएंगे अभी ठीक हो जाएंगे। बापू निकाल पैसे, पैसे निकाल, 10 रुपए निकाल, निकाल। रामी कहीं का 10 रुपए के लिए मेरा गला रेते जा रहा था, बाप का माल है। अरे राम राम राम। अरे लाला तुहार गला तो हुआ कुंदन रेत रहा खेत में। कुंदन? हाँ। अरे मशीन चलाई थी तुहार खेत में। हमारे खेत में मशीन? हाँ। अरे 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 भैया ये क्या कर रहे हो, अब तो ये जमीन भी हमारी है। क्या बात कर रहे लाला, कल तक तो आप कह रहे थे कि आपकी जमीन वहाँ तक है और आज यहाँ तक होगी। 6-8 दिन के बाद वहाँ तक भी हमारी हो जाएगी, ये तो ब्याज का धंधा है भैया। क्या मतलब? पूछ रहे हो तो सुन लो, ठाकुर वीर सिंह ने ये सारी जमीन हमारे पास गिरवी धरी हुई है, समझे? हमने गलती की है, आखिर इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। हर इंसान अपनी गलती को सुधारने के लिए गलती पे गलती करता चला जाता है, लेकिन उसकी पहली एक गलती उसका पीछा नहीं छोड़ती। कुंदन बेटे, क्या आपने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की? घबराना नहीं मेरे बच्चे, इसी को जिंदगी कहते हैं, डट के मुकाबला करना इसका, डट के। बाबू बाबू बाबू, तो क्या बाबू को हमारे बारे में? एक पते की बात करें क्या? आप तुम शादी कर लो। अब जिंदगी में रखा ही क्या है? कैसी बात करो तो गुरु, ये लो बीड़ी पियो। अरे हाँ, आज हम सफाई कर रहे थे तो हंडिया में से ये पाजेब मिल गई, ये लो। Thank you.
लगता है इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। ओह हाँ, ये तो वही आदमी है जो बारों की डोली पे पैसे नौछावर कर रहा था, और नौटंकी में भी तो था ये। मगर यहां कैसे? नहीं, बारों के साथ नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बहू, दर्शन ने खाना नहीं खाया? कहते मन नहीं है। दर्शन, बहू कहती आज तुमने खाना नहीं खाया, क्या बात है? आज तुम सुबह से कुछ परेशान दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ। पर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ माँ, तुम भी मुझे तंग मत करो, मैं आगे बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी परेशानी का कारण, मुझे भी पारों से ये उम्मीद ना थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। तू त्रिया चरित्र को नहीं जानता बेटे, एक हाथ से ताली नहीं बजती। औरत चाहत में सब कुछ कर सकती है। दर्शन, इससे पहले कि हमारे घर की इज्जत इन गांव की गलियों में रौंद दी जाए, उससे पहले मैं उसे जान से मार डालूंगा। दर्शन, बेवकूफ मत बन। हट जाओ माँ, मुझे जाने दो। गुस्से और जल्दबाजी से नहीं, अकल से काम ले। जैसा मैं कहती हूँ वैसा सुन। वो हाँ? क्या बात है दर्शन, कुछ परेशान से हो? हाँ माँ, महाजन की तरफ से सरकार का नोटिस आया है। सरकारी नोटिस? हाँ माँ, अब तो महाजन के पैसे देने ही पड़ेंगे माँ। लेकिन दर्शन, इतने पैसे हमारे पास आएंगे कहाँ से? पारो बेटी, तुमने सुना जो कुछ दर्शन ने कहा? हाँ माँ जी। देख बेटी, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। मैं इसे अपने साथ छाती पर तो लेकर जाऊंगी नहीं, बस वक्त की बात है। अगर ये घर नीलाम हो गया तो दर्शन के पिता की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। काश मैं उनके साथ ही चली जाती। रोइए मत माँ जी, हम कोशिश करेंगे। पिछली बार बाबू बहुत परेशान थे, ना जाने कहां से रुपए लाए थे। यही तो मैं कहती हूँ बेटी, आड़े वक्त में वो पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन माँ जी, तू एक बार जाकर तो देख। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। बेटा पारो, तुम किसी बात के लिए परेशान ना होना, और खास तौर से रुपए पैसे के लिए बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सोचते थे दर्शन बाबू से मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता है, शादी के बाद तो उनके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। ऊपर वाले का बुलावा आने से पहले एक इच्छा थी कि हम दर्शन बाबू से मिल लेते। बाबू ऐसा मत कहो बाबू। पगली, इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, यहां
ना कोई अमर है और ना कोई अमर हो सकता है। बेटे, तुम्हारी शादी के बाद हमारी काफी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। बस रह गई तो एक घुटन दिल में रह गई, एक इच्छा दिल में रह गई, और वो है कुंदन का ब्याह। उस वक्त ही पाप नहीं था, लेकिन अब है। कुंदन, उस वक्त के प्यार का अगर जरा सा भी ख्याल हो तुम्हें तो शादी कर लो। भगवान करे ठाकुर साहब, आपका और हमारा ये लेन देन ऐसे ही चलता रहे। आप ये रकम जो मैंने आपको दी है, ये आपकी जमीन के आखिरी टुकड़े के बदले में है। वैसे मैं हाजिर हूँ, जब भी कोई हुक्म हो बोल दीजिएगा। नहीं सुखी लाला जी, जो तो ऐसी वक्ती जरूरत पड़ गई थी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम चलते हैं। ठाकुर साहब, अगर आगे कभी आपको रकम की जरूरत पड़ जाए तो ऐसी कोई बात नहीं, जरा हवेली का नक्शा साथ में लेते आइएगा। धंधा तो आखिर धंधा है। सुखी लाला, हम अपने पुरखों की हवेली पर किसी की नजरें बद नहीं पड़ने देंगे। वाह ठाकुर वीर सिंह, इसे कहते हैं बुरा वक्त। जिस हवेली के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, उसके नक्शे की बात हो रही है, और तुम किसी के दर से इस तरह। राम राम ठाकुर साहब। कौन था भाई? पारो बेटा, कुंदन से बात की थी तुमने? हम जानते थे बेटा, हम जानते थे। हमने सोचा था बेटा, हमने तो सोचा था कि तुम्हें ढेर सा प्यार और बहुत सी खुशियां देकर हम तुम्हारा विश्वास जीत लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ बेटा, ऐसा नहीं हो सका। ना जाने तुमने क्यों अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी। क्या तुमने हमें इस योग्य नहीं समझा? हमने ये सब आपकी इज्जत के लिए और कुंदन की कसम के लिए। हमें माफ कर दो बाबू। बाबू, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए। शायद हमारे भाग्य में यही था। जा बेटा, जा, सो जा मेरे बच्चे, सो जा। अब इस बुढ़ापे में मुझसे नहीं होता। मां, नहीं होता तो फिर इतना सब बनाने क्या जरूरत है? मैंने नहीं, पारो ने बनाया है। मेरे मना करने पर भी सारे घर के कपड़े धो गए। कुंदन बेटा, अब तो तू मेरे लिए भी पारो जैसी बहू ले आ। ठाकुर साहब, अगली बार जब आप पैसे लेने आए तो हवेली के कागजात साथ में लेके आइएगा। धंधा तो आखिर धंधा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको लेकर मैं कोर्ट कचहरी जाऊं।
के बाद इतनी बड़ी हवेली जायदाद माझी बाबू के पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ मरे। अरे तो कौन भरे हाथ जाता है, सभी तो खाली हाथ जाते हैं। माझी आप खुद सोचिए, तूने तो हमारे नाक कटवा के रख दी। सबको पता है कि तेरा बाप सारे गांव का कर्जा खा के मरा है। अब मगरमच्छ वाले आंसू किसी और को दिखा जाकर, कल मुही यहाँ खड़ी खड़ी क्या करती है। जाके अंदर काम कर, सारे किए करा के पानी पी। अब तू यहाँ क्या टसवे बह रही है? अरे तेरा बाप बहुत शर्म वाला था, जो इस दुनिया को छोड़कर चुपचाप चला गया, और एक तू है बेशर्म जो फिर से इस घर में वापस आ गई। मैं कहता हूँ भाग क्यों नहीं गई अपने उसी यार के साथ? हाँ वही जिसने नदी किनारे तेरा हाथ पकड़ा था। लेकिन लेकिन हमारे मन में तो कोई पाप नहीं था। हम आपकी कसम खा के कहते हैं, हम अब भी गंगा जल की तरह पवित्र हैं। लेकिन मेरी नजरों में तो गंदी नाली की तरह मैली हो चुकी है। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूँ निकल जा मेरे घर से बाहर। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, हम आपके पांव पड़ते हैं। मत छू मुझे अपने गंदे हाथों से। हमें यही रहने दीजिए, हमें यही रहने दीजिए। तो मर, मगर एक बात याद रखना कि आज के बाद तेरी हालत इस घर में नौकरों से भी बदतर होगी, समझी? दीवार की तरफ टुकड़ टुकड़ क्या देख रही है कलमुही? ये नहीं कि सब्जी काट कर खाना बना दे। अरे मेहमान आने वाले हैं, मेहमान। रिश्ते तो बहन जी भगवान ऊपर से ही तय कर देता है, और इंसानों को तो सिर्फ तलाशने पड़ते हैं, सो हमने तो तलाश लिया है। आपकी मेहरबानी है। छमिया, ओ छमिया, जरा मिठाई लेकर आना। अरे कहाँ थे तू, कब से तुझे आवाजें मार रही हूँ, जाकर मिठाई लेकर आ। नहीं नहीं बहन जी, रहने दीजिए, अब अगली बार सही। और वैसे भी ये घर तो अपना ही घर हो गया है, वैसे भी जहाँ बेटी दी जाती है उस घर का अन्न माफ कीजिएगा हम नहीं लेंगे। अरे जा छमिया तो लेकर आ। हाँ तो जी, वो फिलहाल आप ये शगुन की रकम रख लीजिए। Oh.
चाहिए, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रख लो। बिना वजह ही परेशान कर दिया पारो ने, कितनी बार कहा कि आराम करो पर मानती ही नहीं। ये पारो कौन थी? नौकरानी, बीमार पड़ी थी सो दूसरी रख ली, पर शादी की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया और मिठाई लेकर आ गई। अच्छा अच्छा, तो वो आपकी नौकरानी थी जी। खैर कोई बात नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे, बाकी जो भी कार्यक्रम होगा आपको बता देंगे। अच्छा जी, नमस्ते। आओ बेटा। बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरे बच्चे की माँ। निकल बाहर। हम कहाँ जाएंगे? हमको माफ कर दीजिए। अरे हमें इस घर से मत निकालिए। खड़ी हो जा। इसी कोने में पड़े रहेंगे हमारा। नहीं भी रहो तुम, लेकिन इस घर में नहीं रहोगी तुम। नहीं। चल चल, हमें इस घर से मत निकालिए। चल, हम कहाँ जाएंगे? चल निकल बाहर। हमारे दुनिया में है एक और तो यही मर। देखता हूँ कब तक बैठी रहेगी तू यहाँ। घर में चार बर्तन हैं तो खटकते ही हैं ना, और फिर छोटे गलती करते हैं तो बड़े माफ कर देते हैं, और बड़े गलती करते हैं तो छोटे भूल जाते हैं, और फिर मैं बड़ी हूं ना। चलो चलो बेटी। तुम भी अजीब बात करती हो माँ, फिर से घर में ले आई उसे तुम। ओफो, तू ये बातें नहीं समझेगा, वो बच्चे की माँ बनने वाली है, अगर उसे इस हालत में घर से बाहर निकाल दिया तो सारे गांव से चिल्ला चिल्ला के कहेगी और सारा गांव तुझ पे थूकेगा। तू बस वक्त का इंतजार कर। अब नहीं होता वक्त का इंतजार। अच्छी है, अच्छी है। अरे बहू, वो जो चौके में सब्जी पड़ी है ना, वो जरा काट देना। हाँ हाँ माँ, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी इसे चला दिया जाए। चला दिया जाए? क्या कह रही हो माँ, ये तो पुलिस कैसे बन जाएगा? मैंने तेरे लिए और भी रिश्ता देखा है, बहुत पैसे वाले हैं। तुम ही ठीक कहती हो माँ। लगता है कुछ गलत हुआ। अब क्या होगा? मैं जाके पुलिस को खबर कर देता हूँ माँ। नहीं नहीं पुलिस, नहीं नहीं। इसमें घबराने की बात है, तुमने तो कहा था कि लोगों से कह देंगे कि जल के मर गई। नहीं नहीं, लोग विश्वास नहीं करेंगे। पर तू इसे कहीं ले जा। मैं? पर लोग पूछेंगे तो हम कहेंगे भाग गई, भाग गई। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इसकी लाश को कपड़ों में लपेट दो और मैं पिछवाड़े जाके गड्ढा खोदता हूँ। तक
आनी। थी वो जिसे एक पागल की तरह हम अपने आप से जिंदगी भर बांधे फिरे। तुमने तो एक पल के लिए भी हमें किसी बंधन में नहीं लिया, हम ही घूमते रहे तुम्हें अपने आप से बांधे हुए। हम शायद वो बंधन तोड़ भी देते कि अचानक तुम्हारी बेबसी के वो दो आंसू हमारी आत्मा को झकझोर गए और हमने फिर एक हैवान को मार दिया। शायद हमारी बेचैन आत्मा ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया। याद है हमने एक दिन कहा था कि पाजेब जिसकी है हम उसी को देंगे। पारो अपनी पाजेब तो लेती जाओ। दिन तो हमरे एक होना ही फिर बतिया थे बात कौन थे हम गुण की। दिन तो हमरे एक होना ही फिर बतिया थे बात कौन थे हम गुण की। हमका आज क्षमा दे देना हमका आज क्षमा दे देना हमरे सारे अवगुण की। लिखवा से नैना हमरे रूप